दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस इन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 12 का। दोस्तों जो आज हिस्ट्री का एग्जाम हुआ आर्ट्स वालों का, तो उसका आज मैं सटीक आंसर की को देखने वाला हूं। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और बाकी सारे सब्जेक्ट के एग्जाम का तैयारी अच्छे से करना चाहते तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और फटाफट से मिला लीजिए भाई कि आपका कितने में से कितना सही हुआ, 30 में से कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, फटाफट से मिला लीजिए अपने दोस्तों को भी, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए ज्यादा फालतू की बातें ना करते शुरू करते आज की हमारी वीडियो। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 1 यहाँ पर पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह हो लोथल किस राज्य में है, तो किस राज्य में दोस्तों, एक ऑप्शन में सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख लें। क्वेश्चन 2 यहाँ पर पूछा गया था कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी आपको बताना दोस्तों, तो 2 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उदयन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन 3 यहाँ पर पूछा था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, यहाँ पर आपको बताना कब हुआ था दोस्तों, तो 1526 को हुआ था, यानी कि क्या हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन 4 यहाँ पर पूछा गया था कि धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया था, तो यहाँ पर अशोक ने किया था, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 5 को हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन 5 में पूछा गया था कि भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना, तो क्या हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कबीरदास। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते क्वेश्चन 6 को। ठीक है, क्वेश्चन 6 यहाँ पर पूछा गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आ भी गया था आप लोग के एग्जाम में। यहाँ पर लिखा था कि हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था, यहाँ पर दोस्तों बताना, तो क्या हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए अब हम देख लें क्वेश्चन 7 को। क्वेश्चन 7 अगर पूछा गया था आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और मैंने आपको जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में बताया था कि ये सब क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 100% आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन 7 यहाँ पर है कि विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे, यहाँ पर आपको बताना, तो किस वंश से संबंधित थे दोस्तों, यहाँ पर बताना है, तो किस वंश से, तो तुलुप वंश से। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लें क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, क्वेश्चन 8 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो किसने की थी, यहाँ पर आपको बताना, तो 8 का ऑप्शन अवश्य एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुलबदन बेगम ने। ठीक है, चलिए हम लोग देख लें क्वेश्चन 9 को। ठीक है, क्वेश्चन 9 हमसे पूछा था यहाँ पर कि बज्रयान किस धर्म की शाखा, तो किस धर्म की शाखा, यहाँ पर बताना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 को हम लोग देख लें। क्वेश्चन 10 यहाँ पर पूछा था, ठीक है, कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए तो चलिए हम देख लें क्वेश्चन 11 को। क्वेश्चन 11 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी, यहाँ पर बताना, तो क्या हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1600। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 12 को। क्वेश्चन 12 यहाँ पर पूछा गया, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, कौन थी, यहाँ पर आपको बताना, तो क्या हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धू कानू। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। यहाँ पर पूछा गया था कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ, तो कहाँ से आरंभ हुआ था दोस्तों, कहाँ से, मेरठ से, क्या हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, क्वेश्चन 14 यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना, क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरत। ठीक, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 यहाँ पर पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के कारण में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया जाता था, तो एनफील्ड राइफल में। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा बताइए जरा, तो क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ठीक है, क्वेश्चन 16 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्वेश्चन 16 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन 17 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कहाँ की गई थी, 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 18 को। क्वेश्चन 18 यहाँ पर पूछा था कि मेघदूतम के रचनाकार कौन थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कालिदास। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। क्वेश्चन 19 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1986। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 20 को। क्वेश्चन 20 यहाँ पर पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांस्य की नर्तकी का प्रमाण मिला, तो क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर पूछा गया है कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर बताना है, तो कौन थे दोस्तों, वाल्मीकि। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो किसने लिखे थे, वाल्मीकि ने। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा है यहाँ पर कि संथाली भाषा के विद्रोह को क्या कहा जाता है, तो किसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो क्या कहा जाता है, हुल कहा जाता है। ठीक है, आप लोग मनाते हैं ना हुल दिवस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन 23 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष को, तो कौन थे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना, तो क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देख लें। क्वेश्चन 24 यहाँ पर पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या दोस्तों, था एक कब्रगाह था। ठीक है, चलिए
अब हम लोग देख लेते क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन 25 नंबर पूछा गया था कि इब्न बतूता कहां से भारत आया, तो कहां से भारत आया था, तो क्वेश्चन 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मरको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 26 को हम लोग देख लें। क्वेश्चन 26 नंबर पूछा गया था यहाँ पर कि साबरमती का संत किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 27 को। क्वेश्चन 27 यहाँ पर पूछा गया था स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे दोस्तों यहाँ पर बताना, तो क्या हो जाएगा स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू भी थे और चित्तरंजन दास भी थे। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन 28 का आंसर। यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो किसने जारी किया दोस्तों, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 को देख लेंगे। यहाँ पर पूछा था कि गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है, तो किस पुस्तक में वर्णित है दोस्तों यहाँ पर बताना है, तो किस पुस्तक में, तो 29 का ऑप्शन नंबर बी, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़े स्थल कौन है, तो कौन है दोस्तों यहाँ पर बताना है, 30 का ऑप्शन नंबर सी, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राखीगढ़ी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में लोग 30 का 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर की को मैंने मिला लिया, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर की लाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और बाकी सारे सब्जेक्ट के एग्जाम का तैयारी अच्छे से करना चाहिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत, ताकि जय।